सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मेंटेक में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी अनोखा है क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सलूशन बताऊंगा पबजी गेम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पबजी गेम में कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि लैगिंग, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी आखिर तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ही हटके होगा और बाकी वीडियो के जैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैंने सिंपली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस गिव अवे वीडियो का लिंक दे दिया है। आप लोग सिंपली उस लिंक पर जाइए और गिव अवे का डिटेल्स पूरा जान लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों को यूट्यूब में इस लैगिंग को लेकर कई सारे वीडियो देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो उनमें से कॉमन सोल्यूशन है वो है दोस्तों पबजी GFX टूल को डाउनलोड कीजिए या फिर HD ग्राफिक्स टूल को डाउनलोड कीजिए, या फिर कोई कोई ये बताता है कि आप लोग इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके सिंपली कॉपी कीजिए, पबजी का जो फोल्डर है उसमें जाइए, जाकर सिंपली पेस्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों, शायद आप लोग को ये नहीं पता है कि पबजी वालों ने अपने पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कि जो पबजी GFX टूल, जो HD ग्राफिक्स टूल है और कहीं कहीं जो ऐसे टूल आप लोग यूज़ करते हो, तो अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोग को जो अकाउंट है वो सिंपली बैंड हो जाएगा। और ये जो बैन होगा 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, सिंपली 3 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए बैन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो स्क्रिप्ट की बात हुआ, अगर आप लोग वो भी यूज़ करते हो तो दोस्तों वो भी इनलीगल तरीका होता है। तो सिंपली दोस्तों, मैं आप लोग को ये सलाह दूंगा कि आप लोग वो तरीका बिल्कुल ही मत यूज़ करो, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को जो तरीका बताऊंगा वो एकदम ही 100% सेफ है। आप लोग को कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई इलीगल काम नहीं करने का बताऊंगा। तो दोस्तों, सिंपली आप लोग को पबजी गेम को जो है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को नीचे राइट साइड में जो सेटिंग का ऑप्शन है उसमें जाइए। तो जाने के बाद आप लोग को ऊपर में सिंपली एक फेसबुक का आइकॉन दिखेगा, तो उसके बगल में एक प्लस का निशान दिखेगा। आप लोग सिंपली उस प्लस के निशान में क्लिक कीजिए। देन क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो प्ले गेम्स दिखेगा उसमें क्लिक करके आप लोग अपना जो जीमेल आईडी है उससे साइन इन हो जाइए। तो दोस्तों, मैं अपने जीमेल आईडी से अभी साइन इन होता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना जीमेल आईडी से इस पबजी गेम को लिंक कर दिया है सिंपली। तो दोस्तों, अब आप लोगों को इस गेम से लॉग आउट होना होगा। तो दोस्तों, सिंपली लॉग आउट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो रिपेयर का ऑप्शन है, सिंपली आप लोग एक बार क्लिक कीजिए वहाँ पर। तो मैं दोबारा इस गेम को रिस्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने गूगल प्ले से सिंपली अकाउंट लिंक करने के बाद एक 208 MB का फाइल है वो डाउनलोड हो रहा है। तो सिंपली आप लोग थोड़ा देर वेट कीजिए, देन चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, अपडेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, आप लोग सिंपली यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देन आप लोग को यहाँ पर जो फेसबुक के बगल में एक मोर ऑप्शन है, तो आप लोग सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली जो प्ले गेम्स है उससे आप लोग को साइन इन होना है। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना जो डिवाइस का जो सेटिंग्स है वो सेट कर लीजिए। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, आप लोग एकदम ही लो रखिए ग्राफिक्स को, देन आप लोग को गॉट इट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने लॉगिन करने के बाद आप लोग का जो डेटा या फिर आप लोगों का जो रैंक या फिर आप लोग का जो लेवल है वो एकदम ही सेम रहेगा, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चेंज होगा, आपका जो फेसबुक का फ्रेंड का टैब होता है, जब यहाँ पर आप लोग फ्रेंड के टैब में क्लिक करते हो तो वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग गूगल प्ले से लॉग इन हो। और हाँ दोस्तों, ये जो लैगिंग का प्रॉब्लम था वो सिर्फ फेसबुक की वजह से ही होता था। अब आप लोग गेम खेलिए। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को लैग देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एक लाइक दे देना और हाँ, उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, उनको भी ज़रूर मदद मिलेगा इस ट्रिक के मदद से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।